हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बिरयानी की रेसिपी, मटन बिरयानी की। आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा फॉलो कीजिए, सेम ऐसे ही बनाइए, बहुत बेहतरीन बन के तैयार होती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैं बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है चावल। जितना हमें चावल लेना है उतना ही बराबर मात्रा में हमें लेना है मटन। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 kg के करीब चावल लिया है। यहाँ पे मैंने सेला चावल यूज़ किया है। इसे हम एक आधे घंटे तक भिगा के पानी में रख देंगे, इसके बाद ही हम इसका पानी निकालेंगे। अभी इसके बाद यहाँ पे मैंने ली है हरी वाली मिर्ची, 4 से 5 मैंने साबुत मिर्ची ली हैं। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और यहाँ पे मैंने अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है, इसे पीसेस में कट करके हमें इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे मुझे सौंफ, ज़ीरा 1 चम्मच के करीब सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च थोड़ी सी हमने ली है। इन सभी का हमें भूरा तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मिर्ची वाला पेस्ट बनके तैयार है और इसका मैंने दरदरा मसाला बना के तैयार कर लिया उन सभी चीज़ों का। अब यहाँ पे मैंने लिया 1 kg के करीब मटन। तो इसमें हम ऐड करेंगे मिर्ची वाला पेस्ट सबसे पहले और फिर इसके बाद जो हमने मसाले तैयार करके रखे थे इसे इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे हमें सारा मसाला ऐड कर देना है। मैंने इसके हिसाब से ही मसाला यूज़ किया है अगर आप 1 kg का बना रहे हैं। और यहाँ पे मैंने लहसुन का पेस्ट लिया 1 चम्मच के करीब, इसे इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं, 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच गरम मसाले पाउडर मैंने लिया है, इसे इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने 1/2 कप के करीब दही ली है। यहाँ पे जो दही है ना हमारी वो काफ़ी ज़्यादा खट्टी है, इस वजह से मैंने यहाँ पे 1/2 कप यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पे 1 कप यूज़ कर सकते हैं। और फिर अब हम इसमें डालेंगे पुदीना के कुछ पत्ते इसमें डालेंगे और धनिया हमने बारीक कट करके रखी थी इसे इसमें डाल देंगे यहाँ पे देखिए इस तरीके से। और फिर इसमें हमें डालना है, हमने प्याज को पहले से ही भून के तैयार कर रखा था। यहाँ पे देखिए हमने प्याज को अच्छे से भून लिया है, इसे इसमें डाल देंगे, भुनी हुई प्याज इसमें डालेंगे इस तरीके से। और बस हमें अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमें इसे 1/2 घंटे तक मैरिनेट करके रख देना है। हम बहुत ज़्यादा देर नहीं रखेंगे ये इस तरीके से। अब हमने रख दिया, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो इसी रखे हुए हमें यहाँ पे 1/2 घंटे हो गए हैं, तो अब चलते हैं इसे हम फ्राई करने की तरफ। तो एक कुकर में हमने यहाँ पे जिसमें हमने प्याज फ्राई करके रखी थी वही वाले तेल हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें मैंने 1 कप के करीब तेल डाला है इसमें, और जब ये तेल गर्म हो जाए तो हमें इन सभी को इसमें डाल देना है, इसमें ट्रांसफ़र कर देना है कुकर में सारे को। हमें इसमें कोई और अलग से कोई मसाला यूज़ नहीं करना है, इसमें हमने ऑलरेडी सब मिक्स करके रखा है। तो बस हमें इसे डालने के बाद इसे अच्छे से चलाना है, थोड़ी देर तक भूनना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने इसे डाल दिया, पूरा डाल देंगे और फिर हम इसे थोड़ी देर चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे, 1 से 2 मिनट तक। बहुत ज़्यादा देर तक हमें नहीं भूनना है, बस हम इसे 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने डाल दिया और अब हम इसे थोड़ी देर भून लेंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, इसमें बहुत थोड़ा सा पानी यूज़ किया है, तो जो बर्तन में लगा हुआ मसाला था बाकी का उसी को हम अच्छे से धो के इसमें डाल देंगे, अलग से पानी नहीं डालना है। तो बस अब हमें मिक्स करके इसका ढक्कन लगा देना है और इसको 3 से 4 सीटी आने तक पकने देना है। अब यहाँ पे चलते हैं, चावल को भिगाए काफ़ी देर हो गए हैं, इसे हमने अच्छे से धो लिया है। अब एक बर्तन में हमें डालना है पानी, इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल। यहाँ पे देखिए इस तेल से क्या होता है कि जो हमारे चावल होते हैं वो बहुत ज़्यादा खिले खिले रहते हैं। और फिर हम इसमें अब डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटी इलायची डाली है, 4 यहाँ पे मैंने लौंग डाला है और यहाँ पे मैंने तेज़पत्ता डाला है, 2 यहाँ पे मैंने तेज़पत्ता डाला। और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे अब दालचीनी, और यहाँ पे हमें अब इसमें ऐड कर देना है काली मिर्च थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं करना है नहीं तो दांतों के नीचे आती हैं, वो टेस्ट में अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसे डालने के बाद अब हमें डालना है, यहाँ पे मैंने नींबू का रस निकाल रखा था पहले से, इसे इसमें डाल देंगे।
और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। तो यहाँ पे आप अपने टेस्ट के हिसाब से तीखा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप 7 से 8 हरी मिर्चें डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 4 हरी मिर्चें डाली हैं। और फिर जब पानी थोड़ा उबल जाए तो हमें इसमें अब ऐड करना है नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक यूज़ किया। और अब हमें इसमें चावल ऐड कर देना है। चावल को डालकर अब हमें इसे पकने देना है। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर कुकर की सीटी निकल गई है। अब इसे खोलते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया तरीके से हमारा मटन अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। ये अच्छे से गल भी चुका है, कच्चा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम इसका थोड़ा सा पानी जो है ना उसे थोड़ी देर सुखा देंगे और ये बन के तैयार है। अभी यहाँ पे देखिए हमारा चावल अच्छे से बन चुका है। हमें इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, हमें इसे 85% तक ही पकाना है। इस तरीके से देखिए जब चावल टूटने लगे बस ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना हमें। तो बस अब हम इसे अलग बर्तन में स्टैंड कर लेंगे। अच्छे से इसका सारा पानी हमें निकाल लेना है। तो अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो यहाँ पे हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा चावल डालेंगे और इसे अच्छे से बराबर से सेट करेंगे। और फिर इसके ऊपर से हमने जो मटन की ग्रेवी बना के तैयार कर रखी थी उसे इसमें डालेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हम डाल देंगे। और फिर अब हम इसमें ऐड करेंगे ऊपर से थोड़ा सा हम डालेंगे जो हमने भून के रखी थी प्याज उसे डालेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा पुदीना डालेंगे। पुदीना का फ्लेवर बहुत ज़्यादा कमाल का आता है गाइस बिरयानी में, तो आप इसे ज़रूर डालें इस तरीके से। और फिर इसके ऊपर से हम फिर चावल डालेंगे और फिर हमें इसे बराबर के साथ सेट कर देना है। यहाँ पर इस तरीके से हमने डाल दिया। अभी बस थोड़ा सा और बचा है चावल, तो यहाँ पे अब हमें इसे अच्छे से सेट कर देना है। तो यहाँ पे अब ये रेडी है। इसके ऊपर से फिर हमें अब बाकी का जितना बचा हुआ मटन है हमें इसे इसमें सारा ऐड कर देना है, सारा डाल देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसे सारा डाल देंगे। और फिर हमें वही चीज़ करनी है, इसमें थोड़ी सी भुनी हुई प्याज डालेंगे और पुदीना के पत्ते कुछ डालेंगे। और फिर इसके ऊपर से हमें चावल डाल देना है, अच्छे से सेट करना है। यहाँ पर हमने तेज़पत्ता निकाल लिया और इसे सारा डालकर हम सेट करेंगे। और ऊपर से अब हम डालेंगे फूड कलर, यहाँ पे मैंने लिया है इसे डाल देंगे। इससे बहुत कमाल का लुक आता है। और ऊपर से हम डालेंगे भुनी हुई प्याज और पुदीना के पत्ते। तो बस इस तरीके से हमने सारा इसे सजा के तैयार कर दिया है। अब चलते हैं हम इसे दम करने की तरफ। तो इस तरीके से हम इसमें सब चीज़ें ऐड कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा देखने में भी कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है गाइस। तो अब हम इसे ढक देंगे और इसे गैस पे रख के हम 15 से 20 मिनट तक दम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने गैस पे रख दिया। इसके ऊपर से हमें कुछ भारी चीज़ रख देनी जिससे कि जो भाप है वो निकले नहीं। तो बस 15 से 20 मिनट बाद अच्छे से दम हो के तैयार है। अब हम इसे खोलते हैं। देखिए गाइस कितना प्यारा लुक आ रहा है, टेस्ट में बहुत ज़्यादा कमाल का होता है। तो अब चलते हैं हम इसे निकालने की तरफ। यहाँ पे देखिए हम हल्के हल्के हाथ से ऐसे करेंगे, अच्छे से सारे में मिक्स करेंगे और बस ये बन के कम्प्लीटली तैयार है। अब हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे, सर्व करेंगे। आप इसे खाएं, इंजॉय करें, बहुत ज़्यादा कमाल का बनता है। आई होप गाइस आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।